हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ ऑल द प्रोसेसेस। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ग्राफ्स पे क्वेश्चन जेई में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं। तो ये लेक्चर आपका पूरा स्टडी करा देगा हर तरीके के ग्राफ्स का, सारे एनालिसिस का, ठीक है, सारे प्रोसेसेस के ग्राफ्स का, ठीक है। हम लोग इसको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज, इन सबको पढ़ने से पहले ये दो बातें ध्यान में, हम लोग पढ़ चुके ऑलरेडी, तो ध्यान में रहना चाहिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप होता है पी बाई वी और एडियाबेटिक का स्लोप होता है गैमा पी बाई वी। गैमा का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन वन रहेगा, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। सो वी कंक्लूड दैट कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। ये आपने नोट डाउन करके रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद दिस। पहले ये जो प्रोसेस है, पहले समझ लेते हैं, ये ग्राफ को स्टडी करते हैं हम लोग। ये ग्राफ सारे इधर के तरफ जा रहे हैं, एरो इधर के तरफ है, मतलब इन सभी ग्राफ में वॉल्यूम बढ़ रहा है। सो दीज आर ऑल द ग्राफ ऑफ एक्सपांशन प्रोसेस, ओके, ये सब एक्सपांशन प्रोसेसेस है, ठीक है। अब यहां पे हमको समझ में आ रहा है कि प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो ये हो गया आइसोबेरिक एक्सपांशन। ये क्या हो गया? आइसोबेरिक एक्सपांशन, ओके। अब ये दो ग्राफ में से स्वाभाविक सा बात है आइसोकोरिक तो यहां पे है नहीं, ये दो ग्राफ्स जो है एक आइसोथर्मल रहेगा और एक एडियाबेटिक रहेगा, है ना। अब कौन सा आइसोथर्मल है और कौन सा एडियाबेटिक है, उसके लिए ये चीज यूज होगा कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। इन दो ग्राफ में स्लोप ज्यादा इसका दिख रहा है, स्लोप ज्यादा लग रहा है। सो दिस इज एडियाबेटिक एक्सपांशन एंड दिस इज आइसोथर्मल एक्सपांशन, ठीक है। सो ये समझ में आ गया। अब ये ग्राफ्स की बात करते हैं। These are all compression graph, क्योंकि इसमें ग्राफ ये डायरेक्शन में है ना, ये डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब वॉल्यूम कम हो रहे हैं। सो दीज आर ऑल कंप्रेशन ग्राफ्स, ओके। अब ये वाला जो कंप्रेशन हो गया, ये कॉन्स्टेंट प्रेशर पे कंप्रेशन हुआ, कॉन्स्टेंट प्रेशर मतलब आइसोबेरिक। अब ये दो ग्राफ में एक आइसोथर्मल है, एक एडियाबेटिक है। अब अगेन कंसेप्ट यही यूज होगा कि एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होता है, आइसोथर्मल का स्लोप कम होता है, इसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है, सो ये हो गया एडियाबेटिक कंप्रेशन, और इसका स्लोप कम है तो ये हो गया आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक। तीसरे ग्राफ के लिए तरफ चलते हैं हम लोग। ग्राफ पीवी के ही है, पीवी ग्राफ से यहां पर चार ग्राफ दिख रहे हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है। एक एक करके समझेंगे। पहला ग्राफ जो है इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट दिख रहा है, ये देखो ये लाइन जो है, दिस रिप्रेजेंट वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ये हो गया आइसोकोरिक ग्राफ जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट यानी कौन सी प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस। दूसरे में प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है, मतलब ये हो गया आइसोबेरिक प्रोसेस। तीसरे और चौथे में एक तो आइसोथर्मल आएगा, नहीं तो एडियाबैटिक आएगा, एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा रहेगा, आइसोथर्मल का कम रहेगा। फोर्थ वाले का स्लोप ज्यादा दिख रहा है, थर्ड वाले का कम दिख रहा है, मतलब फोर्थ वाला हो गया एडियाबेटिक और थर्ड वाला हो गया आइसोथर्मल। समझ पाए इस ग्राफ पे आते हैं। ये ग्राफ से पी टिक है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के, ठीक है। अब यहां पे ये वाले ग्राफ से चालू करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट वाले ग्राफ में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बिकॉज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, मतलब फर्स्ट वाले के लिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कब होता है? जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मतलब ये ग्राफ जो हो गया ये किसका हो गया? आइसोकोरिक का हो गया, ठीक है। सेकेंड वाला ग्राफ, इसमें क्या है? प्रेशर कांस्टेंट, तो ये हो गया आइसोबेरिक का टेम्परेचर। थर्ड वाले ग्राफ में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कौन सा प्रोसेस में? आइसोथर्मल, तो ये हो गया आइसोथर्मल का, और जो कर्व है ये हो गया एडियाबेटिक। समझ में आया सबको ये ग्राफ? लास्ट ग्राफ ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ में सबसे पहले नाम दे देते हैं, एक दो तीन और चार, ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है। अब पहले वाले ग्राफ में वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी कब आता है? जब प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तो मतलब पहला वाला ग्राफ जो कांस्टेंट प्रेशर, मतलब आइसोबेरिक प्रोसेस हो गया।
दूसरे वाले ग्राफ में वॉल्यूम कांस्टेंट है, देख रहे हो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो दूसरा वाला हो गया आइसोकोरिक। तीसरे वाले ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो दैट इज आइसोथर्मल। और चौथे वाले में कर्व आ रहे हैं, मतलब ये हो गया एडियाबैटिक। सो दीस वॉज ऑल, दीज वेर ऑल द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग ग्राफ। ये ग्राफ आपने ड्रॉ कर लेना है और इसको अपने फॉर्मूला बुक में नोट डाउन करके रख लेना है। दैट्स इट।